हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। बहुत टाइम हो गया, वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, लाइफ बहुत बिजी हो गई और पेरेंट्स आ गए थे मेरे, आपको पता ही है। उसके बाद में बस ऐसे एक के बाद एक एक के बाद चीज़ें हो रही थी कि मुझे मतलब वीडियो बनाने का कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेते, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग सोच रहे कि भाई कहाँ है, क्या है, वीडियो क्यों नहीं आ रहे, एक दो कमेंट्स भी आए थे। तो यही जस्ट यार, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, बट जस्ट आई वॉज टू बिजी लिविंग लाइफ, यू नो, इन्जॉइंग लाइफ। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम में निकाल नहीं पा रहा था। साथ ही साथ बच्चे भी वापस से चाइल्ड केयर वगैरह इनका चालू हो गया था, फुल टाइम सब कुछ। अंजलि ने भी नई जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो उसका भी शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था। मेरे को भी जॉब वगैरह पे जाना था, तो वो भी वहाँ से भी बिजी था। तो इस चक्कर में मतलब पिछले 4-5 हफ्ते एकदम से फुल ऑन बिजी हो गए। और पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे थे, तो इतना वीडियो मतलब बनाने का मौका मिला नहीं। इन जनरल बस फैमिली लाइफ चल रही थी और उसको हम इंजॉय कर रहे थे। इस चक्कर में मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बना नहीं पाया। आज अभी ऐसे ही बस शाम को घूमने निकले, थोड़ा सा वॉक पे निकले थे। मस्त वेदर हो रहा है आज, एक्चुअली लकीली ठंड तो चालू हो गई है। ये मतलब आप मान लो कि बस पीक ठंड का आसपास ही है, जून से तो प्रॉपर ठंड चालू हो जाती है। और हो रहा है ठंडा यूजुअली, कभी 4 डिग्री 5 डिग्री तक का भी लो चले जाता है। और कभी कभी दिन धूप अगर आ जाती है तो 16-17 डिग्री में भी तुमको अच्छा फील होता है, मतलब मस्त घूमने लायक वेदर हो जाता है। मतलब हल्की हल्की ठंड, एक जैकेट पहन लो, ठीक है, और मस्त धूप आ रही है तो इतना पता नहीं लगता। अपने पास घर के पास में आ गए थे एक वीक में घूमने, तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, इस कारण से इतने ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाया। बच्चों वगैरह को चाइल्ड केयर भेजते ना, तो यहाँ पे बच्चे क्या सीख होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चाइल्ड केयर देखा जाए तो एक तरफ से तो ब्लेसिंग है कि भाइयों चलो ठीक है, तुम अगर काम करते हो, मियाँ बीवी तो बच्चों को नहीं रख सकते, तो उनको चाइल्ड केयर भेज दो। पर दूसरी तरफ भाइयों, डिजीज सेंटर है चाइल्ड केयर। मतलब तुम छोड़ोगे ना तो आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा, कोई जुकाम हो रहा है, कोई खांसी आ रही, कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे वहीं पे सब एक दूसरे को मतलब शेयर करते रहते जो भी बीमारी है। अब आज हमारा बच्चा ठीक होके जाएगा, किसी और का बीमार होगा वो उसको दे देगा। इम्यूनिटी भी डेवलप होती इसी तरह से, बट ऐसे ही बीमार 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 ठीक बीमार ठीक में निकल जाता है। शुरू के 2-3 साल तो बड़े बच्चे बीमार होते हैं, 3 साल तक, तो उसके बाद थोड़ा बेटर बेटर इम्यून सिस्टम होने लगता है, तो बेटर होने लगते हैं। तो चाहे इन जनरल ऐसे ही बात कर लूँ आपसे थोड़ी। हाँ तो भैया, ओवरऑल क्या है कि अभी ना लेटली मैंने थोड़ा अपनी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करी थी। वैसे पता नहीं मुझे आपको इस टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ मैं। अभी क्या ना, थोड़ा सा लेटली मैंने अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करी थी, लाइफ पे इन जनरल फोकस करने की कोशिश करी थी। जैसे क्या होता है ना, अब यहाँ पे एक चेयर पर आके बढ़िया मैंने की चेयर लगी मस्त क्रीक है अपना वॉक वॉक करने के लिए। ऐसे कंपेयर कर रहे थे चीज़ें, लाइफ की चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे भाई। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, मतलब सोचना चल रहा था इन जनरल, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस देने की बात चल रही थी कि भैया किस तरह से अपने आप को मतलब खुश रखो हर सिचुएशन में, कैसे मतलब वो फुल सेटिस्फेक्शन रखो अपनी लाइफ में। आजकल के ज़माने में क्या दिखाना, मैंने सब लोग कुछ ना कुछ भागा दौड़ी में लगे हुए, मतलब लिटरली एक ना एक चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे। मैं खुद भी ऐसा नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके देखते लाइफ का, थोड़ा सा पीसफुल बना के देखते हैं। क्योंकि आजकल मैंने क्या नोटिस किया ना, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग, कई लोग मतलब मटेरियलिस्टिक वे में उनके पास काफ़ी चीज़ें होती है, बट फिर भी इतना वो एट पीस फील नहीं करते। मतलब देर कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड फॉर थिंग्स, कॉन्स्टेंटली किसी न किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से तकलीफ में ऐसा करके, फिजिकली बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है करके। तो मेरा अभी पिछले 2-4 हफ्तों से फोकस इसी चीज़ पर चल रहा था कि अपनी थोड़ी सी मतलब लाइफ को थोड़ा और बेटर करे किसी तरह से, ठीक है, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सारी चीज़ों को। तो फिजिकल के रूप में मैंने जिम विम वापस फुल ऑन ज्वाइन कर लिया है, और एक्चुअली बेनिफिट देखने को मिलता है यार। पहले भी मैंने एक आध वीडियो बनाया था इस चीज़ पे फोकस करते हुए, लोगों को बताते हुए कि यार थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा फिजिकल शरीर सही रहता है ना, तो उससे मेंटली भी तुमको काफ़ी ईज फील होता है। मतलब कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तुम्हारी रिलीफ होती है, मालूम। तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई तुमको जिम जाना है तो मतलब वेट लिफ्टिंग करके पूरा बॉडी बिल्डर ही बनना है। कोई भी एक एक्सरसाइज पिक कर लो, रनिंग पिक कर लो, रनिंग करो, ठीक है, नेचर में करना हो नेचर में, जिम में करना हो ट्रेडमिल पे कर लो, साइकिलिंग पिक कर लो। ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, जो आजकल हमने ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल एज में जाने जाते हैं के साथ साथ में ना हमने पूरी खो दी है।
तो कोई ऐसी एक हॉबी पिक कर लो जिससे अच्छा अटैच होकर रहो, जो नेचर से रिलेटेड हो आपकी, नेचुरल हो। साइकिलिंग पिक कर लो, कोई बढ़िया बढ़िया माउंटेन ट्रैक्स पे जाओ या माउंटेन ऐसी साइकिलिंग ट्रैक पे जाओ। वो चीज़ करने के यार काफ़ी फ़ायदे हैं, मतलब तुम्हारा शरीर तो फिट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ तुम्हारा ना मेंटली भी तुमको बड़ा फ्रेश और अच्छा फील होता है। बाकी के जो काम करने की तुमको ना एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। फिजिकल तो है ही है, मैं फिर बोलूँ तो ये एक मैंने चेंज थोड़ा सा किया था। और साथ ही जो कॉन्स्टेंट चीज़ों के पीछे जो भाग रहा था, कॉन्स्टेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली ले लेना, हर चीज़ को मतलब बहुत सीरियसली ले लेना, हर चीज़ के पीछे पूरा दिमाग लगा के भाग रहे हैं, उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा शांत किया, वो बहुत अच्छा फील होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि हम खुद बना लेते हैं। हाँ होती है, दो चार स्ट्रगल तो सबकी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, करना ही पड़ता है, प्रॉब्लमों को ठीक करना ही पड़ता है तुमको। बट कई बार क्या होता है, अगर तुम्हारा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा ये फिजिकल और इन एक्टिविटीज़ पे और थोड़ा सा मन को कोई एक्टिविटी ना करके शांत नहीं करो ना, तो तुमको डबल ट्रिपल लगने लगती वही चीज़ें जो कि आम जिंदगी में होनी चाहिए लोगों की। तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस चल रहा था मेरा अभी लेटली, एंड इसलिए मतलब एकदम ये ज़्यादा मेरा इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि यूट्यूब और ये वो, मेरे को जो अच्छा लग रहा था, मुझे जिस चीज़ में मुझे बढ़िया खुशी मिल रही थी, मतलब कि चलो ठीक है पेरेंट्स के साथ मंदिर चले गए बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स के साथ कुछ इन्जॉय करने चले गए बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन चीज़ों में मैं थोड़ा बिजी था तो इतने वीडियो बना नहीं पाया। और एट द सेम टाइम अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, अभी ठंड का मौसम चालू हो गया, तो अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए आपको इतना अच्छा उजाला और ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। ये तो अभी क्या होगा ना, लिटरली 5:30-6 बजे, अभी उस दिन मैं 5:30-6 बजे वॉक पे निकला बाहर, और मेरे को याद ही नहीं 5:30-6 बजे, इतना अंधेरा हो रहा था सब कुछ। मैंने मेरे पड़ोसी को आते हुए देखा, मैंने बोला अरे कहाँ से आ रहा है अभी, बोलती जॉब से। मैंने जॉब से अब बोलते हैं अभी तो 6 बजे 6:30 बजे, मैंने बोला अरे बाप रे, देख कैसा लग रहा था 9:10 बज गए रात के। तो ठंड के दिनों में तो भाइयों इधर का ऐसे ही सीन होता है, ठंड के दिनों में 5 बजे लिटरली अंधेरा और उसके बाद कुछ भी नहीं होना है, ठंड तो है ही बाहर खूब ज़्यादा और अंधेरा भी है तो कोई एक्टिविटी नहीं होती। मंडे टू फ्राइडे किसी से मिलना जुलना नहीं होगा तुम्हारा, सैटरडे संडे का प्री प्लान करना पड़ेगा कहीं पे, वो भी बाहर कौन जाएगा बताओ इतनी ठंड में, कोई बोलेगा चलो यार रेस्टोरेंट चलते खाने, वो भी बहुत कम होता है। कोई ओकेजन वगैरह आ जाए, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें जाने का मौका मिल जाता है, उसमें जाना हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि अभी तो थोड़ा मार्केट स्लो डाउन हुआ पड़ा है, कुछ हो रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं हो रही बाहर जहाँ तुम जाओ कुछ इंजॉय करने के लिए, तो ये भी एक रीज़न है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, कुछ तो बनाए, कुछ तो बातें करें, जनता से पूछ रहे होंगे भले कहाँ चले गए, गायब हो गए, तो इतने वीडियो बना दिए और एकदम एक महीने के लिए गायब। तो चलो इस वीडियो को मैं करता हूँ रैप अप, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कुछ और बातें करेंगे। ओके बाय।